स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फ्री स्टडी बाय लोधी सर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं नंबर सीरीज का, ये हमारा पार्ट 5 है। इसके पहले हम 4 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, जिसमें लगभग 30 प्रकार की नंबर सीरीज हम आपको कराने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। स्टूडेंट्स, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी यदि कर रहे हैं, चाहे वो नेशनल लेवल का हो चाहे वो स्टेट लेवल का हो, और यदि उसमें मैथ्स या रीजनिंग पूछे जाना है, तो निश्चित रूप से 3 या 4 क्वेश्चन नंबर सीरीज से आने के चांस होते हैं। हमने पेपर में अधिकांशतः बार बार जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों की सीरीज को तैयार किया है। लघुत्तम महत्तम समापवर्ती की सीरीज अभी हम गणित में करवा रहे हैं, जिसके 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। 5वां वीडियो नंबर सीरीज का है। तो आइए दोस्तों प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा जो टाइप रहेगा नंबर सीरीज में, अंकीय श्रृंखला में, वो रहेगा पिरामिड टाइप नंबर सीरीज। और स्टूडेंट्स, नंबर सीरीज का एक बहुत बड़ा की फैक्ट होता है कि जब कभी आपके आंसर नहीं आ रहे होते हैं तो हम 2 जो डिजिट लिखे होते हैं या 2 संख्याएं जो लिखी होती हैं, इनके बीच का गैप लगातार निकालते चले जाते हैं, तो निश्चित रूप से हम किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंच रहे होते हैं। मतलब ये भी हमें करके देख लेना है। तो आइए देखते हैं पिरामिड नंबर सीरीज। यहां हमने 5-6 प्रश्न लिए हैं, कुछ आपको करने के लिए दिए हैं, कुछ हम आपको करके बता रहे हैं। तो पहला जो क्वेश्चन हमने लिया है, इसमें कह रहे हैं 2, फिर 12, फिर 36, फिर 80, फिर 150। मतलब यहां 2 से और 150 तक पहुंच रहे हैं। मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि ये मल्टीप्लाईकेशन सीरीज हो सकती है, क्योंकि मल्टीप्लाईकेशन सीरीज में अचानक से मान बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो हमें लगता है कि मल्टीप्लाईकेशन सीरीज है। पर जब आप इसमें कई प्रकार की सीरीज लगा के आप चेक करोगे तो ये आंसर नहीं आएगा। तो अब चूंकि हमें ये पहले से पता ही है, तो हम आपको ज्यादा समय खराब ना करते हुए पिरामिड सीरीज बताते हैं। और एक चीज और समझना, पिरामिड सीरीज कहां लगती है, जहां आप कई प्रकार का पैटर्न चेक कर लेते हो और आपके आंसर नहीं आ रहे होते हैं, तो वहां आप पिरामिड सीरीज भी लगा करके चेक कर लिया करें। और पिरामिड सीरीज कैसे चेक होती है हम देखते हैं। इस प्रकार से हमें चिन्ह बनाते जाना है कि 2 में हम कितना जोड़े कि 12 आ गए, मतलब इनके बीच का हम गैप ही निकालते हैं। स्टूडेंट्स, बहुत बड़ा की फैक्ट होता है नंबर सीरीज में, जब कभी आपका आंसर नहीं आ रहा हो तो आप 2 पदों के बीच का अंतर निकालें, बार बार अंतर निकालें, जरूर किसी न किसी पैटर्न पर आप पहुंच जाओगे। तो देखते हैं 2 से 12 कैसे आ रहे होंगे, जब हम 2 में कितने जोड़ रहे होंगे, जब हम 2 में 10 जोड़ रहे होंगे तो 2 और 10 12, या 12 में से हमने 2 घटाए तो कितना मिला, यहां हमें 10 मिला। फिर हम देखते हैं कि 12 से 36 कैसे आ रहे होंगे, तो 36 में से जब हम 12 घटा रहे होंगे तो यहाँ कितना मिलेगा, 24 मिलेगा। मतलब 12 में यदि हम 24 जोड़ते हैं तो यहाँ आंसर कितना आता है, 36 आता है। फिर स्टूडेंट्स, 36 से 80 कैसे आ रहा होगा, मतलब 80 में से हम 36 को माइनस कर रहे होंगे, तो 80 में से जब आप 36 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 44 आएगा। और इसका मतलब ये हुआ कि हम 36 में जब 44 जोड़ रहे होंगे तो 80 आ रहा होगा। ठीक है, 6 4 10 का सुन हंसला ही 3 और 1 4 और 4 8। फिर यहां 80 से 150 कैसे आ रहा होगा, 150 में से जब हम 80 को माइनस कर रहे होंगे तो यहाँ कितना आ रहा होगा, 70, या हम ऐसा कहें कि 80 में जब हम 70 को जोड़ रहे होंगे तो 150 आ रहा होगा। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क लिखा है, मतलब यहाँ का जो नंबर है वो हमें फाइंड करना है डिजिट की, यहाँ कौन सी संख्या आ रही होगी, तो एक सिंबल हम एक निशान इस प्रकार का और लगा लेते हैं। तो ये हमने एक बार इनका गैप निकाला। अब जिनका भी ये गैप हमने निकाला है, पिरामिड कब बनेगा, आप इनका फिर से गैप निकालते जाओ। तो अब आप यहां देखो कि 10 से 24 कैसे आ रहे होंगे, तो आप कहोगे 24 में से 10 घटाओ तो यहाँ कितना बचेगा, 14 बचेगा। मतलब या हम कहें 10 में 14 जोड़े तो कितने आ गए, यहाँ 24 आ गए। फिर स्टूडेंट्स, यहाँ 24 से 44 कैसे आ रहे होंगे, 44 में से जब आप कितने घटाओगे, 24 घटाओगे, तो 44 में से 24 जब आप घटाओगे तो यहाँ कितना बच रहा होगा, 20 बच रहा होगा। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स, यहां हम देखेंगे 70 में से 44 को घटाएंगे, या 44 में कितने जोड़ने की 70 आ जाए, मतलब 70 में से जब हम 44 को घटाएंगे, सुन लो कुमार ने 10, 10 में से 4 गए कितने बचे, 6 बचे, 7 में से 5 गए 2 बचे। मतलब हम 44 में जब 26 जोड़ रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा, यहाँ 70 आ रहा होगा।
अब यहां क्या हम कोई पैटर्न पकड़ गए स्टूडेंट्स, यहां और आप चाहो तो और गैप आप निकाल लो, 14 से 20 कैसे आ गए होंगे, यहां 14 में 6 जुड़े होंगे तो 20 आ गए होंगे, 20 से 26 कैसे आ गए होंगे, 20 में 6 जुड़े होंगे तो 26 आ गए होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही सीरीज हमें अब नीचे से ऊपर की ओर लेकर के जाना है। मतलब पैटर्न हमें क्या मिल गया या क्या लॉजिक या क्या थीम इसके पीछे चल रही थी, तो पैटर्न यही पैटर्न स्टूडेंट्स हमें नंबर सीरीज में देखना होता है। पैटर्न हमें मिल गया कि +6 +6 ये हो रहे हैं, तो इसी प्रकार से हम ऊपर इसको बढ़ा देंगे। इसको कैसे बढ़ाएंगे आप देखें, हम यहां भी 6 जोड़ रहे होंगे मन से, क्योंकि यहां हम समझ गए धन 6 की सीरीज चल रही है, तो धन 6 ही हम यहां जोड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स जब हम 26 में 6 जोड़ रहे होंगे, जब हम 26 में 6 जोड़ रहे होंगे तो 26 और जब हम ये 6 जोड़ रहे होंगे तो 26 और 6 कितना आ रहा होगा स्टूडेंट्स, 26 और 6 आ रहा होगा कितना, 32। ठीक है, तो 26 और 6 कितना आ रहा होगा, 32। तो 32 हम यहां लिखेंगे। अब क्या करेंगे हम, जैसे यहां जोड़ रहे थे 44 और 26 70, तो 70 में ये 32 हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो 70 में जब हम 32 जोड़ रहे होंगे तो 0 और 2, तो यहां 2 ही आ रहे होंगे, और 7 और 3 10, तो यहां कितना आ रहा होगा, यहां रहा होगा 70 में 32 जोड़ेंगे तो 102। फिर यहां फिर धन की सीरत चल रही थी, जैसे 80 और 70 150 हो रहे थे, तो 150 और 102 को हमें जोड़ना है। तो जब हम 150 और 102 को जोड़ रहे होंगे स्टूडेंट्स, तो यहां आ रहा होगा 252, और यही 252 क्या होगा, क्वेश्चन मार्क्स की जगह आएगा, यही 252 स्टूडेंट्स हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से नंबर सीरीज के प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिया है। इसमें कह रहे हैं 15 18 31 62 119 210। तो यहां भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनका गैप निकाल लेते हैं, कितने का अंतर है। तो 18 में से 15 घटाए कितने बचे, 3, मतलब 15 में 3 जोड़े तो 18। 18 में कितने जोड़े कि 31 आए, तो 31 में से जब हम 18 को घटा रहे होंगे तो यहां आ रहा होगा कितना, 13। मतलब 18 में यदि हम कितने जोड़ रहे होंगे, 18 में 13 जोड़ रहे होंगे, तो यहां कितना आ रहा होगा स्टूडेंट्स, 31 आ रहा होगा। फिर 31 में कितना जोड़े कि 62 आए, तो 62 में से 31 घटाओ तो यहां कितना मिल रहा होगा, यहां हमें 31 ही मिल रहा होगा। फिर 119 में से 62, मतलब देखो 31 में से 18 घटाए तो 13, 18 में से 15 घटाए तो 3, 119 में से हम 62 भी घटा रहे होंगे, तो जब हम 119 में से 62 घटा रहे होंगे तो यहां आप चाहो तो रब पे लिख के घटा लो, 119 में से जब हम 62 को माइनस कर रहे होंगे तो 9 में से 2 घटे 7 और 11 में से 6 घटे कितना, 5, मतलब यहां कितना आ रहा होगा, 57, कितना आ रहा होगा, 57। मतलब 62 में जब हम 57 जोड़ रहे होंगे तो 119 आ रहा होगा। फिर 119 में कितना जोड़े कि 210 आए, मतलब हम क्या कर रहे होंगे, 210 में से 119 को हम घटा रहे होंगे, तो 10 में से 9 गए 1 बचा, हंसला 1 को माने 11, 11 में से 2 गए यहां 9 बचे, और हंसला 1 2 में से 2 गए, मतलब यहां कितना आ रहा होगा हमारा, 91। मतलब 119 में हमने 91 जोड़े होंगे तो 210 यहां पर बच रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां फिर से हमें वही गैप निकालते जाना है, 3 में कितने जोड़े कि 13 आ जाए, तो 3 में आप 10 जोड़ोगे, 3 और 10 13, 13 में कितने जोड़े कि 31 आ जाए, तो आप कहोगे 18 जोड़ रहे होंगे, 18 में कितने जोड़े कि 57, मतलब 31 में कितने जोड़े कि 57 आ जाए, तो 57 में से 31 घटा दो, 7 में से 1 गए 6, 5 में से 3 गए 2, कितने जोड़ रहे होंगे हम, 26। फिर यहां 51, मतलब 57 में 26 जोड़े तो कितने आ रहे होंगे, यहां 91 आ रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सही है। अब यहां हमें ये चिन्ह नहीं लगाना, अभी बाद में लगाएंगे। अब देखो फिर से गैप निकालो, ये लगातार गैप निकालते जाते हैं। 10 में कितने जोड़े कि 18 हो गए, तो -8, 18 में कितने जोड़े कि 26 हो गए, तो -8। तो हम पैटर्न कहां, यहां पैटर्न स्टूडेंट्स हम पकड़ गए, यहां पैटर्न हमें समझ में आ रहा है कि -8 -8 जुड़ते जाना है, कितना +8 +8 होते जाना है। तो यहां भी हम क्या करेंगे, फिर से हम एक सीरीज इस प्रकार से चला देते हैं, यहां भी हम अपने आप मन से -8 लिख लेते हैं, और जब हम 26 में 8 जोड़ रहे होंगे स्टूडेंट्स, तो 26 और 8 कितने हो रहे होंगे, 26 और 8 हो रहे होंगे स्टूडेंट्स कितने, 34, कितने हो रहे होंगे, 26 और 8 34। अब हम क्या कर रहे होंगे, 26 और 8 कितने हो गए,
स्टूडेंट्स यहां पर हो गए 34, ठीक है, 26 और 8, 34। अब हम यहां क्या कर रहे होंगे, 26 और 8, 34। अब देखो यहां 7 और 4, 11 की 1 हंसलाई, 1, 5, 3, 8 और 9। 57 और 34 कितने हो गए, यहां 57 और 34 कितने हो गए यहां। स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, तो देखो यहां पर मिस्टेक हो रहा था, 26 और 8, 34, ठीक है स्टूडेंट्स, 10 और 18 में से 10 गए 8 बचे, 26 में से 18 घटे तो 8 बचे, यहां 34 में से 26 घटे तो 8 बचे, मतलब यहां 8-8 की ये सीरीज चल रही है। तो यहां हम 34 में कितना जोड़ेंगे, यहां मिस्टेक हो गया था, 34 में 8 जोड़ रहे होंगे, तो 34 और 8 कितना रहा होगा, यहां 34 और 8 कितना आ रहा होगा स्टूडेंट्स, 42 आ रहा होगा। 34 और 8 कितना आ रहा होगा, 34 और 8 आ रहा होगा कितना, 42। अब हम 91 में कितना जोड़ेंगे, 91 में जोड़ रहे होंगे हम कितना, 42। तो 1 और 2 कितना, यहां 3, और 9 और 4, 13, तो यहां आ जाएगा 133। और जब हम 210 में 133 जोड़ रहे होंगे तो 3 और 0, 3, 3 और 1, 4 और 2 के 2 ही 2, मतलब 243 इसका क्या आ रहा होगा, 243 इसका आंसर आ रहा होगा। आप समझ लेना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ये कलर हमने पेन का चेंज कर दिया था, ये 34 यही आ रहे थे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 243, ठीक है। अगला हमने एक क्वेश्चन आपके लिए करने के लिए दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, इसको देखें, ये भी स्टूडेंट्स नंबर सीरीज ही है, ये भी नंबर सीरीज है, कह रहे हैं 16, 22, 40, 78 और 144, तो क्वेश्चन मार्क लगा है, इसके स्थान पे क्या आएगा, और ऑप्शन है 212, 246, 378, नन आप दीज, आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बताएं कि इस तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4, तो यहां भी पिरामिड नंबर सीरीज ही हमें बनाना है, पहले से पता है तो आसान होता है करना, तो हम 39 में से 15 को घटाएंगे, ठीक है, 9 में से 5 घटे बचे 4, और 3 में से 1 घटा कितने बचे 2, मतलब 15 में हम 24 जोड़ रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा 39। अब 39 में कितना जोड़ेंगे, 74 है तो 74 में से 39 घटाना, 14 में से 9 गए बचे 5, 7 में से 4 घटे कितने बचे 3, मतलब यहां कितना बचेगा 35 बच रहा होगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहां हम कर रहे होंगे, 122 में से 74 को माइनस कर रहे होंगे, 122 में से 74, 12 में से 4 घटे 8, 12 में से 8 घटे 4, तो यहां कितना बच रहा होगा हमारा 48, ठीक है, यहां धन के चिन्ह हम लगाते जाएंगे। और यहां अब हमें फाइंड करना है कि यहां क्या रहा होगा, इसी अब हम फिर से यही गैप निकालते जाते हैं, 24 में कितने जोड़े के 35 आए तो कितने जोड़ोगे धन 11, ठीक है, 35 में कितने जोड़े कि 48 आए तो जोड़ोगे कितना धन 13। तो यहां हम पैटर्न पकड़ रहे स्टूडेंट्स, कुछ और प्रश्न बढ़ाया जा सकता था, यहां पैटर्न पकड़ गए, क्या पैटर्न बना कि धन के 11 और धन की 13, मतलब 2 का डिफरेंस है, 2 के डिफरेंस से जुड़ रहे, तो इसे जब हम आगे बढ़ा रहे होंगे, इसे जब हम आगे बढ़ा रहे होंगे तो हम कितना लिख रहे होंगे स्टूडेंट्स, इसे हम लिख रहे होंगे यहां पर आ रहा होगा कितना धन 11 धन 13, तो यहां 2 जोड़ रहे हैं तो धन 15, ठीक है। अब जोड़े 48 में 15, 8 और 5 13 की 3 हंसलाई, 1, 4 और 1, 8 और 5 13 की 3 हंसलाई, 1, 1 और 4 5 और 1 6, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां कितना आ रहा होगा, यहां आ रहा होगा 63, ठीक है, 48 और 15 63। अब हम 122 में 63 को जोड़ देंगे, ठीक है, 122 में 63 को, 122 में जब हम 63 जोड़ रहे होंगे तो 2, 3, 5, 6 और 2, 8, यहां स्टूडेंट्स कितना आ रहा होगा 185 आ रहा होगा, जो हमारा आंसर होगा, ठीक है। इसी प्रकार से हमने एक क्वेश्चन और लिया है, ये क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, इसमें भी आप कैफ ही निकालो, 7 में कितने जोड़ेंगे 14 हो जाए तो 7 जोड़ोगे, 14 में कितने जोड़ाएं कि 30 हो जाए तो 16 जोड़ोगे, 30 में कितने जोड़ेंगे 56 हो जाए तो यहां 26 जोड़ोगे, 56 में कितने जोड़े कि 93 हो जाए तो 13 में से 6 घटे यहां बची 7,
और 9 में से 6 घटी तो यहां बची 3, मतलब 56 में जब हम 37 जोड़ रहे होंगे तो 6 7 13 3 असला 1 5 3 8 और 1 9, और यहां क्या आना है ये हमें तय करना है। फिर हम इनका गैप निकालते जाते हैं, 7 में कितने जोड़े कि 16 आ जाए तो यहां 9 जोड़ेंगे, 16 में कितने जोड़े कि 26 आ जाए तो हम यहां 10 जोड़ेंगे, 26 में कितने जोड़े कि 37 आ जाए तो यहां हम 11 जोड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स यहां से अब हमें गैप नहीं निकालना है, जहां भी हमें पैटर्न समझ में आ जाए वहां से हम गैप निकालना बंद कर देते हैं। स्टूडेंट्स इसका पैटर्न क्या बन रहा है, धन के 9 धन के 10 धन के 11 ये यहां पर जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसका जब पैटर्न यहां पर बना रहे होंगे तो धन 9 धन 10 धन 11 तो यहां हमारा क्या आ रहा होगा, आगे हमारा यहां आ रहा होगा धन 12, और वो हम काय में जोड़ेंगे 37 में, ये 26 और 11 37 यहां देख लिया करें, तो 37 और 12 जब हम जोड़ रहे होंगे तो 7 और 2 कितना आएगा, 7 और 2 आएगा यहां 9, 3 और 1 4, यहां कितना आ रहा होगा 49 आ रहा होगा। अब यही 49 जैसे 56 में हमने 37 जोड़े तो 93 मिले, तो 93 में फिर 49 जोड़ो, तो रफ में हम 93 में 49 को जोड़ लेते हैं, तो 3 और 9 12 की 2 हंसला 1 4 और 1 5 और 9 14, तो स्टूडेंट्स यहां कितना आ रहा होगा आंसर हमारा 142 इसका आंसर आ रहा होगा, ठीक है। ये पांचवा क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और हमने लिया है छठवा, इसको भी चलो ठीक है छठवा। स्टूडेंट्स आप हमें ये छठवा कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, 16 22 40 78 और 144 प्राइमेट सीरे जी है, 244 ऑप्शन है, बी पे 248 है, सी पे 190 और नाना दीज, ठीक है स्टूडेंट्स। आज इतना ही, यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज दोस्तों के साथ में शेयर करें, लाइक कर दें, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।